practical significance of Charles law. क्या बोल रहे हैं चार्ल्स लॉ कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कि अगर टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज तो गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यही बोल रहा है ये वाला लॉ. और जब गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो इसे हम बुलाते क्या है, द प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. एक्सपैंड कर रही है ना गैस, सो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. उसी तरह से इफ वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द लॉ, वॉल्यूम विल डिक्रीज. आंसर कर सकते हो तुम, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बोल ही नहीं सकते. वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गैस, राइट. सो व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस तो उसे क्या बुला रहे हैं हम, एक्सपेंशन. और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या बुला रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गैस. इन दिस केस चार्ल्स लॉ इज यूज्ड, it's a principle which is used in hot air balloons. Hot air balloons जो है ये किसके लिए यूज होते हैं, they are used to tell us about the weather conditions. Sports वगैरह में भी यूज करते थे पहले, पर अब नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. इनिशियली काफी साल पहले मैसेजेस पास करते थे फ्रॉम वन एरिया टू द अदर ओवर द सी, एटलांटिक ओशन के ऊपर हॉट एयर बलून्स को भेजते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, सो दैट उनको मैसेजेस डिलीवर हो जाए, राइट. पर वो यूज अब बंद कर दी गई है क्योंकि कभी भी हाइड्रोजन कैन कैच फायर और बलून फट सकता है, राइट. सो दैट इज अ लिटिल डेंजरस. अब होता क्या है इसमें, हॉट एयर बलून्स में, हॉट एयर बलून्स में टेम्परेचर जो है बलून का इंक्रीज कर दिया जाता है, राइट. सो जब इंक्रीज करेंगे, याद है कोई कुछ पिक्चरों में कहीं देखा है पुरानी मूवीज में, यस मैम, इस तरह से धमाल में भी है, किसमें, धमाल में ऐसे यहाँ पे इसमें आग लगी होती है और ये जो बलून है ये उड़ रहा होता है, राइट. सो इसमें बेसिकली क्या फंडा यूज हो रहा है कि जब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्सपैंड होगी. तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है ना डेंसिटी. मास तो जो है बलून का वो सेम रह रहा है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मास ऑफ द गैस को कुछ नहीं हो रहा, मास ऑफ द गैस इज रिमेनिंग द सेम, बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है. नाउ व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, अगर मास कांस्टेंट रह जा रहा है तो डेंसिटी विल डिक्रीज क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर डेंसिटी डिक्रीज करती है तो जो बलून है दैट विल बिकम लाइटर देन एयर, बोल सकते हैं ऐसा. अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी बलून विल बिकम लाइटर देन एयर, और अगर एयर से लाइट हो जाएगा तो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू फ्लोट राइज अप, फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज गोइंग टू राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, राइट. सो ये प्रिंसिपल है चार्ल्स लॉ का जो कि यूज होता है हॉट एयर बलून्स में. ये वन मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा कि चार्ल्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द न्यूमेरिकल. सबसे पहले एक इजी सा करते हैं फिर डिफिकल्ट वाले पे चलेंगे. दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं हमने. क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ गैस Uh,
sample of gas occupies 1.50 liters. Occupies 1.50 liters at 25 degree centigrade. At 25 degree centigrade, if the temperature is raised to 60 degree centigrade, if the temperature is raised to 60 degree centigrade, what is the volume of the gas if pressure remains constant? Right? अब मैंने तुम्हें पिछले वाली उसमें टॉपिक में बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉ लगना है. आपने उसमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट दे रखी है. अगर प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो चार्ज लॉ लगता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है तो बॉयल्स लॉ लगता है. तो यहाँ पे हमें कौन क्या चीज कांस्टेंट दी है? प्रेशर. सो कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ. क्या बोल रहा है चार्ल्स लॉ? V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2. First step in this question is to convert degree centigrade into Kelvin. ठीक है, degree centigrade को Kelvin में करना है. तो हम पहले T1 को convert करते हैं. T1 that is given as 25 plus 273, 298. ये conversion factor हर एक numerical में use होगा. Okay? Temperature हमेशा convert करेंगे हम. T2 60 दिया हुआ है. 60 plus 273 कितना हो गया? 333 Kelvin. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. V1 हमें दिया है 1.50 लीटर्स. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V1 ओवर हियर. अपॉन T1 इज गिवन एज 298 केल्विन. V2 हमें कैलकुलेट करना है. अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू 333. सो T2 क्या हो गया? 333 इंटू 1.50 upon 298, that is equal to V2, right? Calculate करोगे V2 तो ये आ जाता है 1.68 liters. V2 that is equal to 1.68 liters. आगे समझ कैसे करना है? So एक और लिखो question. On a ship sailing in Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon? Of the balloon when it reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree.
26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रही है, सो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या लगेगा, V1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, सो T1 कन्वर्ट करते हैं, T1 दिया है 23.4 प्लस 273 296.4 केल्विन। ठीक है, उसी तरह से T2 कितना दिया हुआ है 26.1, सो 26.1 प्लस 273.1 299.1, सो पुट डाउन द वैल्यूज। P1 कितनी दी है ऑन अ शिप सेलिंग पास्ट द क्वेश्चन उस टेंपरेचर दिस अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, सो V1 दी है 2, T1 कितना निकला 296.4, B2 हमें कैलकुलेट करना है और T2 कितना निकाला है हमने 299.1, सो इससे हम V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 आएगा अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सेम 2.01 आ रहा है, पर तुमने उसको 2 पे नहीं छोड़ देना बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसमें आंसर कैसे करेक्ट है, किस तरह से देखोगे कि जैसे टेम्परेचर यहां पे पहले कितना था 23.4, सेकंड टेम्परेचर कितना है 26.1, सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो V2 की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो V2 की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए, तो V2 यहां पर क्या आ जाएगा फिर 2.018 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चाहे देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, 2 लीटर से बहुत ही कम इंक्रीज हुई है, 2.02 की इंक्रीज हुई है, बट स्टिल आप इसको 2 तक नहीं छोड़ सकते बिकॉज द वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम इन दिस क्वेश्चन हैज टू बी शोन। ठीक है, सो इन दो क्वेश्चन से चार्ल्स लॉ हो गया आपकी समझ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गई। Then we go on to the third law today, Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law, जो Gay-Lussac's law है, that gives us a relationship between pressure and temperature at constant volume. ओके अब यहां पे थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई है, बॉयल्स में कौन सी कांस्टेंट थी टेम्परेचर, और चार्ल्स में कौन सी कांस्टेंट थी प्रेशर, और गे-लुसैक में कौन सी कांस्टेंट है वॉल्यूम। तो गे-लुसैक बोलता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, या P upon T is a constant, और अगर दो गैसेस कंपेयर कर रहे हैं P1 upon T1 that is equal to P2 upon T2। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, if this is the graph at V1, V2 and V3, again over here V1 is less than V2 is less than V3,
इन ग्राफ्स को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज आइसोकोर्स, दे आर नोन एज आइसोकोर्स। अब ये वाली लाइंस यहां पे अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये जीरो टेम्परेचर पे चली जाएगी, एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये जीरो पे चली जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ्स को क्या बुलाते हैं, आइसोथर्म्स, और कांस्टेंट प्रेशर को क्या बुलाते हैं, आइसोबार्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बुला रहे हैं हम, आइसोकोर्स, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है। नाउ जब हम लोग गेज साइज लॉ करते हैं तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें याद रहेगा ना। अगर डेली लाइफ के साथ हम इन लॉज को कोरिलेट करेंगे ओनली देन कैन वी रिमेंबर द लॉज, राइट। कई बार क्या होता है कि विंटर्स में गाड़ियां पार्क कर रखी होती हैं, है ना, और हम लोग जब रात को गाड़ी पार्क करी है और सुबह हम बाहर निकलते हैं तो हम आके देखते हैं कि रात को अच्छा वाला टायर छोड़ा हुआ था, मॉर्निंग में वो डीप लेट हो गया। क्या क्यों होता है ऐसा, विंटर्स में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस जो क्या कहते हैं उसको टायर है वो क्या होगा, डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। सो विंटर्स में व्हेन द टेम्परेचर इज लेस, when the temperature is less, then according to the law, the pressure is also going to be less. ठीक है, और अगर pressure कम होगा तो tires of cars gets deflated, और उसी तरह से गर्मियों में क्या होगा, टायर फट जाएंगे, फट जाते हैं जनरली जब बहुत ज्यादा समर्स होती है तो समर्स में टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, सब कुछ ऑपोजिट, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा और टायर The tire they blast. ठीक है, so this is the practical significance of Gay-Lussac's law. Clear हो गया? So एक question कर लेते हैं इसका. This is a very small law, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है हमें. So let's write down the question. A chamber of constant volume क्या है क्वेश्चन, अ चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, contains hydrogen gas. When the temperature is 0 degrees Celsius, when the temperature is 0 degrees Celsius, the pressure of the gas is 1.07 into 10 raised to power 2 kilopascals. What will be the pressure at 100 degrees centigrade? A
First step would be to convert the temperatures into Kelvin. ठीक है? Formula क्या लगेगा? P1 upon T1 that is equal to P2 upon T2. P1 कितना दिया है? 1.07 into 10 raised to power 2. T1 0 degree, तो 0 plus 273. 273. T2 को ऊपर ले जाते हैं. 100 plus 273 is 373. So now can we calculate P2? P2 comes to 1.46 into 10 raised to power 3 kilopascals. Again verify कर सकते हैं यहाँ पे answer. Temperature increase हो रहा है from 0 degree to 100 degree. तो pressure भी increase होना चाहिए. P1 कितना था? 1.07 into 10 raised to power 2. और P2 कितना आ रहा है? 1.46. So pressure is also increasing. So therefore our answer is correct. ठीक है? समझ आ गया? Okay. Then we go on to the fourth law. Avogadro's law. वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशनशिप है. ये वाला लॉ पहले भी हमने किया है. वॉल्यूम एंड अमाउंट रिलेशनशिप, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. ठीक है? So mathematical relationship इसकी क्या हो जाएगी? V is directly proportional to N, right? या एक कांस्टेंट यहां पे लगा देते हैं. K for N, where K4 is a constant. ठीक है? अब STP conditions क्या होती है? हमने करी थी. Standard temperature pressure, STP पे temperature कितना होना चाहिए? 25. No. 273 Kelvin. To be more accurate, 273.15 Kelvin. Right? और pressure कितना होना चाहिए? 1 atmosphere. तो अगर temperature 273.15 Kelvin है और pressure 1 atmosphere है, तो what is the volume of the gas? twenty two point four liters per mole, sorry, atmosphere. और एक और हमने condition करी थी, SATP. क्या होता है SATP? Standard ambient temperature pressure, right? अब यहाँ पे temperature कितना होना चाहिए? 25 degrees Celsius. That is equal to 298.15 Kelvin. ठीक है? और pressure कितना होगा? उतना ही 1 atmosphere. Right?
तो वॉल्यूम अगर हम एसएटीपी पे देखते हैं तो वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है 24.78 ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं हम, टेम्परेचर हम 273.15 की ले रहे हैं पर प्रेशर हम बार में ले लेते हैं तो क्या वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोल रही हूँ कि हम टेम्परेचर यहाँ पे सेम ले रहे हैं एसटीपी पे पर हम प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर की जगह बार में ले रहे हैं तो क्या वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर एसटीपी पे सपोज हमारा क्वेश्चन है कि एसटीपी पे टेम्परेचर हमने सेम रखना है 273.15 केल्विन पर हम प्रेशर की यूनिट चेंज कर रहे हैं 1.008 बार तो वॉल्यूम पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वॉल्यूम बिकम्स 22.7 लीटर्स पर मोल। ठीक है, बिकॉज वन एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.008 बार तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन वॉल्यूम 22.7 में लिए। अब यहां पे इस वाले क्वेश्चन के जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हमें एसटीपी कंडीशंस दी है या एसएटीपी कंडीशंस दी है। ठीक है, क्योंकि अगर एसएटीपी कंडीशंस देखेंगे हम तो हमें टेम्परेचर 298.15 देना है, इसमें हमें क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दे रखी होती प्रेशर और टेम्परेचर की, वो हमें पता होना चाहिए कि अगर एसटीपी है तो मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15। अच्छा, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 बार तो हो गया और एक और यूनिट हमने करी थी एसटीपी पे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एमएम ऑफ मर्करी? 760 एमएम ऑफ मर्करी। सो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 760 एमएम और एक और था जो बोल रहे तू 1×10⁵ पास्कल्स, ये सारे प्रेशर जो है ये एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, एट एसटीपी 22.4 लीटर्स Occupy or have how many molecules of a gas? 1 mole. (6.02×10⁻²) 23 molecules. ठीक है, इसे थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं इस रिलेशन को, हम बोल रहे हैं कि B is equal to K4×N, N क्या है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट गिवन अपॉन मोलर मास। सो बी क्या बन जाएगा? 4 बी इज इक्वल टू 4 वेट गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। अब सारे लॉस को कंबाइन करना है हमने टू फाइंड द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कर रहे हैं जी हम? एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले आइडियल गैस होती क्या है? व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ ऑल लॉस एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। सो आइडियल गैस हो गई व्हिच ऑबेज ऑल गैस लॉस एट ऑल टेम्परेचर्स and
and pressure, that is an ideal gas. चार लॉज हमने करे हैं, तो चारों लॉज में देखते हैं क्या क्या हमने करा था. फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है. सेकेंड, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है. थर्ड लॉ, गेन यू सैक्स. गेन यू सैक्स लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड लास्ट इज एवोगैड्रोस, जो बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट. अब जब हम चारों लॉज देख रहे हैं तो गेन यू सैक्स थोड़ा आउट हो रहा है इसमें से, क्योंकि बाकी सारे हमारी वॉल्यूम की रिलेशनशिप दे रहे हैं किसी ना किसी के साथ. जैसे फर्स्ट लॉ में वॉल्यूम की रिलेशनशिप प्रेशर के साथ हो रही है, सेकेंड लॉ में वॉल्यूम की रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ हो रही है, और फोर्थ लॉ में वॉल्यूम की नंबर ऑफ होल्स के साथ हो रही है. तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए ऑड मैन आउट को हम निकाल देते हैं इसमें से, ठीक है. सो कंबाइनिंग द थ्री लॉज, व्हाट डू वी गेट? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ होल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. पी को ऊपर ले जाते हैं, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना पड़ेगा एक कॉन्स्टेंट लगा के, ये नहीं आर, के वन के टू के थ्री के फोर जो हमने सब में लगाए थे उनको कंबाइन करके हम एक कॉन्स्टेंट बना देते हैं आर, वेयर आर दैट इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, राइट. सो जहां पे भी आर की वैल्यू दे रखी होती है वहां पे सब में हमको गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू लगानी है. गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन हमें दिया है, क्या एक्सप्रेशन दिया है? PV इज इक्वल टू nRT. तो R क्या आ जाएगा? PV अपॉन nT इज इक्वल टू R, ठीक है. जब हम यूनिट्स देखते हैं तो n की यूनिट्स चेंज नहीं होती, क्योंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स है, इट विल रिमेन द सेम. T की यूनिट्स चेंज नहीं होगी बिकॉज T जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो T हम हमेशा केल्विन में लेते हैं. सो R की वैल्यू मेजरली डिपेंड करती है किसके ऊपर? P और V के ऊपर, प्रेशर और वॉल्यूम. जो R की कैलकुलेशंस की जाती है दैट इज जनरली डन एट STP. तो STP में हम लोग प्रेशर की तीन वैल्यूज दे दें, 1 atmosphere, 1 bar, 760 में कंसिडर नहीं, MM नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एंड 1 × 10⁵ pascals. इन तीन वैल्यूज के बेसिस पे आर की वैल्यूज को डिसाइड किया जाता है, ठीक है. सो लेट्स मेक अ टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर, और कल के लिए तुम्हारा होमवर्क भी यही है कि आर की सारी वैल्यूज लर्न करके आनी है, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे. ओके, एज आई जस्ट सेड कि आर की वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को चेंज करते रहेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ आर. कौन कौन से यूनिट्स बोले हमने? 1 atmosphere,
Units of the volume. Units of pressure and value of R. Because number of holes to mole hi rahega aur temperature bhi Kelvin hi rahega. So first hum log kya le rahe hain, volume le rahe liters mein, pressure le rahe atmosphere mein. So value of R kya aa jayegi, 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. 0.0821 liter atmosphere. क्यों इस तरह से हमने लिखा है, क्योंकि R is directly proportional to volume. तो लीटर आ गई, जो आप डायमेंशनल यूनिट्स करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये लीटर लीटर आ जाएगी. प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया है, सो ये डायरेक्टली इनवर्सली पर मोल पर केल्विन. पर मोल पर केल्विन आप देखोगे सब में आएंगे, ठीक है. सो व्हेन वी टेकिंग यूनिट्स ऑफ वी एज लीटर्स एंड यूनिट्स ऑफ पी एज एटमॉस्फेयर, तो वैल्यू ऑफ आर क्या आ गई, 0.0821. सेकंड, when units of V is taken as ml, पर ये हम change नहीं कर रहे हैं. So हमें पता है कि 1 liter is equal to 1000 ml. इसको हम 1000 के साथ multiply कर देंगे, तो ये value क्या आ गई, 82.1 ml atmosphere पर मोल पर केल्विन. क्लियर. नाउ नंबर थ्री, अगेन वॉल्यूम लीटर्स, यूनिट ऑफ प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं टू बार, सो देयर इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल डिफरेंस, 0.8314, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.008. So, बहुत ही कम डिफरेंस आता है. दिस इज लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है. अगेन मिलीलीटर बार, फिर से 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, 83.14 मिलीलीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है. ओके, अब हम पास्कल्स में ले रहे हैं, वॉल्यूम हम ले रहे हैं मीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स, 10⁻³ - 3. वेरी गुड. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ - 3 मीटर क्यूब्स, ठीक है. और इसे हम ले रहे हैं पास्कल्स में. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स, 10⁻⁵, 1 × 10⁵, ठीक है. सो जब इसमें हम लेते हैं तो इट कम्स टू 8.314 मीटर क्यूब्स पास्कल पर मोल पर केल्विन, ठीक है. और ये जो पास्कल मीटर क्यूब है दैट इज इक्वल टू जूल्स, 1 पास्कल मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू जूल्स. जूल्स किसकी वो है, यूनिट वर्क की. और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो यहां पे हम इसे पास्कल मीटर क्यूब को चेंज करते हैं जूल्स में, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. जब प्लस टू में हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम मोस्टली ये वाली यूनिट या ये वाला आर की वैल्यू यूज करते हैं, अभी हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे,
या ये डिपेंडिंग अपॉन लीटर्स दिया हुआ है कि मिलीलीटर्स दिया हुआ है मोस्टली हमें लीटर्स ही दिया रखा होता है तो हमने 0.0821 वैल्यू जो है वो यूज करनी है एक और वैल्यू इसकी होती है आर की व्हिच इज आई थिंक नॉट गिवन इन योर बुक्स दैट इज इन कैलोरीज जूल्स की जगह कैलोरीज में उसको दिया गया है सो जब हम इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो आर की वैल्यू कैलोरीज में दी जाती है 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन राइट नाउ 1.9 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सो मोस्टली दिस वैल्यू ऑफ आर इज टेकन एज 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन ठीक है सो वी हैव टू मेमोराइज ऑल दीज जैसे एक और हमने कल भी करा था कि हमको याद रखना है परसों कौन सा कन्वर्जन फैक्टर्स कि हम प्रेशर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में वो ही यूज होगा ठीक है गैस इक्वेशन को हम एक इस तरह से लिखते हैं एक और तरह से भी लिखते हैं अगर हम दो गैसेस कंपेयर कर रहे हैं तो गैस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 upon T1 P2 upon T2 सो क्वेश्चन हमें दोनों से आएंगे समटाइम्स अगर मोल्स नहीं दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है और मास और मोलर मास दिया हुआ है तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम सो क्या ये वाली इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी PV इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर आर ठीक है ना मैं मोलर मास को ऊपर ले जा रही हूं PM इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम और वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी सो आप किसी भी तरह से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं अगर कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड किसी भी तरह से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं ठीक है फॉर्मूला एक के बाद एक उसको आप कैटेगराइज करते जाओ ब्रेक डाउन करते जाओ तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में दिया होता है वही फॉर्मूला हमारे हाथ में आ जाता है क्लियर हो गया चलो आज एक तरह